وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونبثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

इस्लाम लाने का वाक़ बयान करते हैं कि जब मैं नबी करीम अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर के मुसलमान हुआ और आपकी नबूवत की तस्दीक की आप पर ईमान ले आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी कौम की तरफ दावत देने के लिए भेजा ये नबी करीम अलैहि वसल्लम का एक अपना तरीक़ा था कि जब किसी कौम का कोई सरकर्दा बड़ा शरीफ ज़्यादा तशरीफ़ ले आता और ईमान कबूल कर लेता तो आप वसल्लम उसे अपनी कौम की तरफ दावत के लिए भेजते जैसे दीगर साहबा के वाक़े के अंदर मिलता है तो आपत अबू उमामा बाहली रज़ील तुक को चूँकि शरीफ ज़्यादे थे इसलिए उन्हें कहा कि जाओ अपनी कौम को इस्लाम की दावत दो चुनानचे वह बयान करते हैं कि जब मैं अपनी कौम के इलाके में पहुँचा तो उस वक्त मुझे सख्त भूख लगी थी सख्त भूख और प्यास का मैं शिकार था और बहुत थका हुआ था मुझे देख करके मेरी कौम के लोग बहुत खुश हुए मुझे खुश आमदेद कहा मुझे अपने करीब बुलाया मेरी बड़ी तकरीम की तो जब मैं उनके पास पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि वो दस्तरखान लगा हुआ है सारे लोग दस्तरखान पर बैठे हैं उन लोगों ने मुझे भी खाने की दावत दी खाने की पेशकश की लेकिन जब मैंने देखा कि उनके दस्तरखान के ऊपर जो खाने की चीज़ें हैं उनमें सबसे अहम खून है जैसे मिसा तो ऊँट दबा किया तो उसको खून को जमा कर लिया है कोई जानवर दबा किया खून को जमा कर लिया है जिसे वो लोग खाने के लिए रखे हैं तो जब मुझसे कहा तो हमने अपना हाथ खींच लिया और कहा मैं तुम लोगों की तरफ अल्लाह के रसूल वसल्लम की तरफ से आया हूँ आपने मुझे तुम्हारी तरफ़ भेजा है ताकि तुम ईमान ले आओ और नबी वसल्लम की तस्दीक करो और जिन चीजों से मना किया है उनमें एक चीज यह भी है कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने खून को हराम किया अल्लाह ताला ने खून को हराम कर दिया है तो मैंने इस पर एतराज किया तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे मेरा ठट्ठा करने लगे मुझे धुतकारने लगे कि तुम ये क्या दिल लेकर के आए हो क्या तुम बातें कह रहे हो तो चुना ने जब मुझे धुतकारा और कहा अभी तो तुम्हें भूख लगी हुई थी अभी तो तुम प्यासे तो उसकी शिकायत कर रहे थे अब खाओगे नहीं लेकिन चूंकि खून था इसलिए हमने खाने से इनकार कर दिया तो जब उन लोगों ने मुझे धुतकार दिया तो मैं उन लोगों के पास से हटा चूँकि थकन से मेरा हाल बेहाल था और मैं भूख और प्यास से परेशान था इसलिए थोड़ी ही दूर जा करके लेट गया और मुझे नींद आ गई इसी दरमियान मुझे ख्वाब में कोई शख्स एक बर्तन में एक दूध लेकर के आता है और मैं उस दूध को पी लेता दूध पीना था कि मैं बेदार हो गया मैं बेदार हो गया तो मैं बिल्कुल आसूदा था भूख और प्यास बिल्कुल गायब भूख प्यास का नाम निशान नहीं था की आसूदगी से मेरा पेट तन गया था जैसे इंसान खूब खाया हो और उसका पेट तन जाए तो ऐसे मेरा पेट तन गया था मैं अपनी कौम से जब दूर हुआ तो मेरे दूर होने के बाद कौम के लोगों ने एक दूसरे को मलामत करना शुरू किया गैरत दिलाई कि तुम लोगों को गैरत नहीं आती है शराफ़त का तुम लोगों ने जनाजा निकाल दिया है तुम्हारी ही कौम का अच्छे लोगों में से एक अच्छा आदमी एक शरीफ आदमी तुम्हारे पास आता है देखा कि वो भूखा हुआ है तुमने देखा लेकिन तुम लोगों ने उसे धुतकार दिया और अपने पास नहीं आने दिया उसके साथ कैसा बुरा शुरू किया हती की कि इखलाकी तौर पर तुम्हें चाहिए कि खाने पीने की कोई चीज़ तो देते वो भी तुम लोगों ने नहीं दिया उसको लोगों को गैरत आई और उनमें से कुछ लोग उठ करके मेरे पास एक बर्तन में खाने और पीने कुछ लेकर के आए और मुझे देना चाहा लेकिन मैं ये कह करके रद्द कर दिया कि मुझे तुम्हारे खाने और पानी की कोई ज़रूरत नहीं लोगों ने कहा अभी तो तुम बहुत भूखे और प्यासे थे उसकी शिकायत कर रहे थे अब आखिरी से कबूल क्यों नहीं करते हो तो मैंने कहा कि अल्लाह ने मेरे रब ने मुझे खिला और पिला दिया है मैंने उन्हें अपना पेट दिखाया कि देखो अब मेरा पेट भरा हुआ है चुनानचे मेरी हालत देख करके वो लोग मुसलमान हो गए और अल्लाह के रसूल वसल्लम पर ईमान ले आए हजरत अबू उमा बिल रदील्लू तला का ये वाकया मुतद हदीस और सरत की किताबों में है इमाम बिकि उसे दलाल ननबूा में नकल करते हैं इमाम तबरारी कबीर में नकल किया है इमाम इबन असाकिर ने तारीख़ दिवश के अंदर नकल किया है इमाम जहबी ने उसे शरोल नोबला में नकल किया मुतद कुतब हदीस में नकल किया है और कहते हैं इस किस्से की सनत सही है ये एक अजीब सा वाक़ है जिसे हम लोग अपनी ज़ुबान में करामत कहते हैं इसे सामने रख करके हम और आप देखें कि हमें और आपको इससे क्या सबक मिलता है पहली चीज़ ये साहेब किस्सा जिनका हमने ज़िक्र किया ये कौन है जिनके बारे में हमने बयान किया कि यह सुदई इब्ने अजलान इबन वहब अल बाहेली हैं लेकिन हदीस की किताबों में इनका नाम अबू उमामा से जाना जाता है जवानी ही में इस्लाम कबूल किया और जब नबी करीम वसल्लम की वफ़ात हुई حجت-ul-विदा के मौके पर उसके जब आपकी औफ़ात हुई तो उस वक्त उनकी उम्र तीस साल के करीब थी यानी बिल्कुल जवान थे इन्हें वो शर्फ़ हासिल है हज़रत अबू उमामा रजी अल्लाह तुक को कि बैत रिदवान में ये शरीक थे यानी सुलह हुदैबिया के मौके पर जो बेत हुई थी जिनसे मुतालिक अल्लाह तुरन मजीद में फरमाता है लक़द रजील तहत अश-शजरा अल्लाह ताला उन मुमिनीन से राजी हो गया है गोया अल्लाह ताला अपनी रजा का परवाना दे दे रहा है वो लोग जो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बयात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुतालिक बयान फरमाया कि लैयद खोला नारा ला जुनुन शहद जो शख्स गजवे बद्र में और सुलहेदिया जिसमें बयात रदवान जहाँ की गई थी वो उसमें शरीक हुआ है वो जहन्नम में कहरगि हरगिद दाखिल नहीं होगा एक हदीस बयान फरमाया आपने लायद खुल तहत शजरा जिस शख्स ने दरख्त के नीचे बयात की है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में है आप सबा है कि वो शख्स जहन्दम में कभी नहीं जाएगा गोया कुरान और हदीस की बुनियाद पर ये लोग जन्नती हैं उन्हें भी हजरत अबू उमर रजी अल्लाह भी हैं ये नहाय ही बुज़ुर्ग जाहिद और आखिरत के तलबगार सहाबी थे जिसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं सिर्फ एक हदीस के ऊपर आप गौर करें ये हदीस मुफसल तौर पर मुस्ंद अहमद में और मुख्तसर सही सहीबन खुजैमा सही, सही वगैरह में है अबू अबूम बयान फ़रमाते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए एक फ़ौज की टोली भेजी जिसमें मेरा नाम भी आया तो जब रुखसती से पहले मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और आपसे हमने कहा आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली बिशहादा ये बुढ़ापे का मामला नहीं है ये जवानी का मामला है हमारे जवान बच्चों को इससे सबक लेना चाहिए कि आखिर तुमने इस्लाम के लिए क्या पेश किया है तुमने इस्लाम की क्या खिदमत की है तुम्हारी मौत का कोई वक्त है मुतन नहीं है कब किसकी मौत आ जाए लेकिन तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है असल जवानी जिसमें सर्फ़ होनी चाहिए उसका अंदाज़ा आप लोग इस हदीस से लगाएं कि उन्होंने क्या कहा अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस जंग में जिसमें मैं जा रहा हूँ अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब फरमाए लेकिन आप सर की दुआ थी अल्लाह वसम हम व गम अरे अल्लाह तबारक वाली इन तमाम लोगों को सही सालिम फ़तः याब करके माले गनीमत के साथ वापस लिया चुनान चुनानच वो ओबामा कहते हैं कि अलहमदिल्ला हम लोग गए हमारी जीत हुई और माल गनीमत लेकर के आए फिर उसके बाद दूसरी कोई फौज आपने भेजी मैं उसमें शरीक हो गया तो फिर रुखसती से पहले आपको अलविदा कहने के लिए मैं आपकी खिदमत में आया और कहा अल्लाह के रसूल शलस अय अल्लाह के रसूल आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस जंग में जिसमें मैं जा रहा हूँ अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमाए आपने फिर वही अल्फाज दोहराए अल्लाम हम वम ऐ अल्लाह इन्हें सही सालिम फतेह करके माल गनीमत दे करके वापस हरमा रहते अबो ममा कहते हैं कि इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह हम गए हमारी जीत हुई और माल गनीमत ले करके आ गए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार एक टोली भेजी और मैं भी उसमें शरीक रहा तो मैं फिर आपकी ख़िदमत में आया और कहा अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बार जब आपने भेजा मैं आपके साथ गया लेकिन आपसे जब हमने शहादत की दुआ की तो आपने ये दुआ फरमाई कि हम लोग सही सला साल और माल गनीमत के वापस वापस आए अब तीसरी बार तो आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तला मुझे शहादत नसीब फरमाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार भी फरमाया अल्लासम वन अल्लाह ताली ने सही सालम और माल गनीमत के साथ वापस फरमा रत अबू ममा कहते हैं कि अब मैं मायूस हो गया कि शायद अब मुझे शहादत अल्लाह के रास्ते में नसीब होने वाली नहीं है इसलिए कि साथियों ये ऐसा मामला है कि अल्लाह ने अपने पास रखा है किसी नबी और किसी वली के हाथ में नहीं रखा है कि, कि किसी को शहीद कर दे किसी को उससे बचा ले तो आप अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अल्लाह सही साली मालिक बल्ले साथ वापस ले आए तो कहते अबूमा जब तीसरी बार के बाद मायूस हो गए तो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्ला वल्लम मुझे कोई ऐसा अमल बतलाइए जिसके ऊपर मैं अमल कर लूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँ मुझे जन्नत मिल जाए आपने फरमाया तुम बकसरत नफली रोज़े रखो अबोम ने सोचा कि यह कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है कुछ दिन के बाद फिर सवाल किया तो आपने फरमाया तुम बकसरत रोज़े रखो कुछ दिन के बाद इसको भी अच्छा बड़ा अमल नहीं फिर सवाल किया तो आपने कहा तुम बकसरत रोज़े रखो इसलिए कि रोज़े का मुकाबला कोई दूसरा अमल नहीं कर सकता जन्नत में जाने के लिए जितना बड़ा जरिया रोज़ा बन सकता है कोई दूसरा अमल नहीं बन सकता हजरत अबू बयान करते हैं कि मैं रोज़ा रखने लगा रावी कहते हैं कि ये इनका बेटा और इनके ग़ुलाम तीनों बराबर रोज़ा रखा करते थे अगर किसी दिन दोपहर को इनके घर से धुआं दिखाई दिया तो लोग समझते थे कि आज इनके यहाँ कोई मेहमान आया है इसलिए रोज़ा नहीं रखे लेकिन हत अबू अमामा ने फिर इस पर इत्फ़ा नहीं किया फिर अल्लाह के रसूल की ख़िदमत में एक बार आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लाम आपने मुझे रोज़े का हुक्म दिया और अल्लाह ताला से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस हुक्म में अल्लाह ने बरकत दी है और मैं उसके ऊपर क़ायम हूँ लेकिन इसके अलावा मुझे आप किसी और काम का हुक्म देते हैं तो आप सल्लिशाह फरमाया कि देखो तुम बकसरत नफली नमाज पढ़ो इसलिए कि फ़र्द नमाज किसी का तो सौदा ही नहीं है तुम बकसरत नफली नमाज पढ़ो इसलिए कि तुम अगर, अगर अल्लाह के लिए एक सजदा करते हो तो उस एक सजदा की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे एक दर्जे बुलंद करता है और तुम्हारे एक गुनाह को माफ़ करता है इससे आप अंदाज़ा लगा लिए कहते अब उमामा रजी अल्लाह किस कदर बुज़ुर्ग नेक और साहब करामत साहबी थे दूसरा फ़ायदा साथियों वलियों की करामत बरहक है अल्लाह तबारक व ताल अपने वलियों को करामतों से नवाजता है जैसे वमा की यही करामत देख लीजिए आप कि अल्लाह तबारक व ताली ने उन्हें ग़ैब से गदा पहुँचा दी अल्लाह ने उनका पेट भर दिया बल्कि तारीख़ की किताबों में जैसा कि इमाम जहबी रम्ला ने अपनी किताब तारीख़ इस्लाम में इमाम हज़रत हाँ, उमामा की एक और करामत नकल की है इकतसार के साथ वो ये है कि एक रावी बड़े मशहूर हैं से है अब्दुल रहमान इब्ने यज़ीद इब्ने जाबिर अश्शामी वो बयान करते हैं कि मुझसे हज़रत अबू उमामा की एक लौंडी ने एक खादमा ने बयान किया कि हज़रत उमामा सदका बहुत पसंद करते थे सदका करना अल्लाह ताला के रास्ते में सदका उनको बहुत पसंद था चुनानचे वो कभी भी किसी साइल को खाली हाथ नहीं जाने देते थे तो एक बार वो रोज़े से थे जैसा कि मालूम हुआ बराबर रोज़ा रखते थे उनके घर में सिर्फ तीन दीनार थे बैठे हुए थे एक साइल आया उसे एक दीनार दे दिया दूसरा साइल आया उसे दूसरा दीनार दे दिया तीसरा आया उसे तीसरा दीनार दे दिया हमने कहा अल्लाह आपका भला करे आप रोजे से हैं अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं आपकी इफ्तारी के अंदा मैं क्या करूंगी कहां से शाम का खाना होगा हलाते अबू उमामा कुछ जवाब नहीं दी और मस्जिद चले गए लौंडी कहती है मुझे उनके ऊपर रहम आया कि बूढ़े हो चुके हैं अब रोज़े से हैं शाम को कुछ खाना तो चाहिए ना तो कहा हमने इधर उधर से उधार लेकर कर्ज़ ले करके उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया तो शाम को आए और जब देखा उनके लिए खाना तैयार है तो बड़े खुश हुए हंसने लगे और कहा देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है अल्लाह इसमें ने कितनी बरकत दी है तो खाना खाए तो हमने उनसे कहा वो बयान करती हैं कि इसी दरमियान में खाना बना रही थी शाम हो रही थी तो उनका बिस्तर भी मैं दुरुस्त कर रही थी जब तकिया उठाया तो क्या मैं देखती हूँ कि तीन सौ दीनार उनके तकिया के नीचे पड़ा हुआ मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि पैसे थे तो यहाँ क्यों रखे हैं कहीं ऐसी जगह रखते जहाँ से कोई देख ना पाता यहाँ तो कोई भी आए उठा के ले चला जाएगा चुनानचे जब आए और खाना खा रहे थे तो हमने खाने के बाद उनसे कहा कि आप भी भले मानुष हैं अच्छे आदमी हैं आपको अगर कोई सामान मिला था कोई चीज मिली थी लाए थे तो उसे आप ठिकाने पर लगाते ऐसी जगह रखते जहां कोई उसे पाता नहीं आपने ऐसी जगह रख दिया है जहां से कोई भी उसको उठा सकता है कहा कि वो क्या कौन सा सामान है हमने कहा वो तीन सौ दिम और फिर तकिया उठाई तो कहा कि वो घबरा गए अरे मैं तो नहीं लाया था अरे मैं तो नहीं रखा मैं तो नहीं लाया कहाँ से आ गया ये कहाँ से आया है साथियों तीन दिनार अल्लाह के रास्ते में सदका किया खुद रोजे से हैं तो अल्लाह तबारक तआला ने बतौर करामत के उनकी तकरीम के एक के बदले सौ एक के बदले दस नहीं एक के बदले सौ अल्लाह ने अता फरमा मार दिया तो हजरत अबू उमामा वलियों की करामत बरहक है लेकिन एक बात यहाँ पर हमें जहन में रखना चाहिए उल्मा कहते हैं करामत को करामत मानने के लिए कुछ शर्तें भी हैं ये नहीं कि हर आदमी जो कहे कि हाँ हम साहेब करामत हैं उसकी बात मान ली जाए नहीं सबसे पहले तो ये जान हैं वली कौन है अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का वली वो नेक बंदा है जो मोमिन हो मुतकी और परहेजगार हो इबादत गुजार हो और शरीयत का पाबंद हो अला इन औलिया अल्लाह खौफ अलैहिम अल्लाह ताला के वली जो हैं ना उन पर कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे लोग बस यहीं तक पढ़ते हैं बस आगे जो उसको छोड़ देते हैं अल्लादीन आमनू व कानू तकून ये कौन से लोग हैं अल्लाह फरमाता है जो ईमान ले आए और अपने अंदर तकवा का खौफ अल्लाह का डर यानी गोया शरीयत की पाबंदी करते रहे ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह का वली है औरतों से अपने पैर और सर दबवाता है अल्लाह का वली है ना महरम औरतें उसके सामने बेपर्दा बैठती और अल्लाह तला का वली है ऐसा शक़ वली नहीं होता बल्कि ऐसा शक शख्स शैतान का वली होगा इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ने दो वलियों का जिक्र किया है अल्लाह अपने वलियों का जिक्र किया है और शैतान के अल्लाह वली अल्लाह ताला तलाों का वली है कि उन्हें तारीकी से गुनाह की तारीकी शिरक की कुफ्र की तारीकी से इस्लाम और नेक काम की रोशनी तरफ ले आता है वल्लीन कफरू उलिया और जिन लोगों ने कुफर किया है उनका वली कौन है शैतान है जो उन्हें नूर से हिदायत से गुमराही की तरफ ले जाता है ईमान से शिर्क की तरफ ले जाया करता है नेकी से गुना की तरफ लेकर के जाया करता है सानियन उलमा कहते हैं कि किसी चीज के करामत होने के लिए चंद शर्तें हैं। पहली शर्त है कि जिससे करामत का जहूर हो रहा है वो मोमिन मुतकी होना चाहिए और वो विलायत का दावेदार नहीं होना चाहिए हम अल्लाह के वली हैं अगर ऐसा नहीं है तो उसे करामत नहीं कहेंगे इसलिए कि अजीब और गरीब चीज़ शैतान से और दज्जाल से भी जाहिर होगी हिमार करके ज़िंदा कर देगा लेकिन क्या अल्लाह का वली है वो वो शैतान का वली है दूसरी चीज़ हर अजीब और गरीब और हरक आदत चीज़ जो जाहिर हो ज़रूरी नहीं है कि वो करामत ही हो बल्कि शर्त यह है को किसी शराई हुक्म से टकरा ना रही हो जो अजीब व गरीब चीज जाहिर हो रही है वो किसी शराी हुक्म से टकरा नहीं रही है तीसरी चीज यह है उस अमल में जिसे करामत कहा जा रहा है किसी वाजिब का तर्क या का इरतकाब ना हो चौथी चीज यह है किसी शराई और मुकर्रा कायदा जो है उसके खिलाफ ना हो करना हो जैसा कि औरतों के साथ बैठना उनके साथ मुसाफा करना या लोगों के अयूब पर इतला होना एक साहब की करामत नकल करते हैं उसने अपने एक मुरीद से कहा कि तुम जो है रात में ऐसा गलत काम क्यों किया तुमने कहा क्या कहा कि तुम्हारी दूसरी बीवी जग रही थी और देख रही थी उसके बेदारी में तुमने अपनी पहली बीवी दूसरी बीवी के साथ तुमने जो है हम बिस्तरी की है कहा कि आप कैसे मालूम कहा कि अल्लाह का वली जो होता है हमेशा अपने मुरीदों के साथ होता है बताइए फिर देखता रहता है कि हमारे मुरीद क्या कर रहे हैं नवाजब तो ऐसी इसी तरीके से करामत के लिए ज़रूरी है कि करामत की वहाँ पर ज़रूरत भी हो और साहेब करामत उसका महताज हो जैसे कोई आदमी जैसे रहते वो भूखे थे उनको मिल गए रास्ते में जा रहे हैं प्या धूप है कहीं साया नहीं अल्लाह साया कर दे जिस तरीके से साहब कर राम रिजवान समुंदर पार करने के मोहताज थे कोई कश्ती नहीं थी अल्लाह ने उन्हें रास्ता दे दिया लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है यानी मिसाल के तौर पर इंसान के पास खाना मौजूद है और खाना छोड़ दे कहे कि अगर ऐसा मैं ऐसे गुजारा कर लूँगा तो ये चीज़ करामत नहीं होगी अलाकुल्लिहाल बात यहाँ से चल रही थी कि हाँ इससे मुझे क्या फ़ायदा लेना है इससे एक फ़ायदा यह भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि अगर कोई मुसलमान होता शरीफ ज़्यादा होता उसे अपनी कौम तरफ दावत देने के लिए भेजते इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जो नेकी की बात हमें मालूम हो उसे अपनी कौम अपने घर अपने गाँव अपने इलाके वालों को बतलाना चाहिए कि हाँ भाई हक ये है सच ये है ये चीज़ हक है उसे बताना हमारा फ़र्ज बनता है इसी तरीके से साथियों इस किस्से से हमें यह पता चला कि दीन पर कदमी की बरकत बहुत बरकत है अल्लाह ताला उस पर अपनी मदद किस तरह करता है लेकिन उससे पहले आजमा इस जरूर है आज उम्मत मुस्लिमा को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि जिन मशाकिल से गुजर रही जिन परेशानियों से गुजर रही है सब कुछ हो लेकिन दीन का सौदा नहीं करना है अबू उमामा भूख और प्यास से बिल्कुल लहस रहे थे थकल से बिल्कुल चूर थे लेकिन दीन का सौदा नहीं किया और वो उनको खुश करने के लिए वो खून नहीं खाए और जा करके वहाँ पर बैठ गए पांचवी चीज़ जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते पैदा कर देता है वो मैत है जल्ला मिन वन ला यहतसिब जो शक अल्लाह ताला से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से उसे रोजी देता है जो जहां से उसको गुमान भी नहीं होता और छठी चीज खून हराम है खा वो हलाल जानवर का ही क्या क्यों ना हो जबह किया ही क्यों ना हो इन नमा वलहमल अलीकुलमजी अल्लाह तुम्हारे ऊपर हराम किया है मुर्दार को और खून को इसलिए उस खून को अल्लाह ने तो जायज करार दिया जो गोश्त में लगा रहता है लेकिन अलग हो जाए जबह करने के बाद गिर जाए तो ना तो वो बतौर इलाज के इस्तेमाल किया जा सकता है और ना तो उसे खाया जा सकता है और आखिरी चीज़ साथियों बातिल परस्त जो कौमें हैं और शहवत परस्त जो लोग हैं उनका हमेशा से ये शार रहा है कि नेकों का वो मजाक उड़ाते हैं दीनदारों का मजाक उड़ाते हैं हाफिज़ों का और मोलियों का वो मजाक उड़ाते हैं ये कोई आज नई बात नहीं है हमेशा से ये काफिरों का शेवा रहा है इसीलिए अल्लाह तबारक क़यामत के दिन ऐसा करेगा कि ये उसका कुड़ाएंगे इन मदाक उड़ाएंगे तीसरे पारे के अंदर तूर मुतफिन फरमाता है जो मुजरम थे वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते थे और जब उनके पास से गुजरते थे इशारा करके आंखों के इशारे से हाथ के इशारे से उनका मजाक उड़ाते और हंसते थे और जब देखते तो कहते ये लोग क्या हैं इन तो बिल्कुल इन्हें दुनिया से क्या मतलब है बिल्कुल भटके हुए लोग हैं दुनिया आज तरक्की पर चली गई और मौलवी लोग सिर्फ मस्जिद के मसल्ले पर बुला रहे हैं ये शहवत परस्त और बेदीनों का हमेशा शेवा रहा है जैसा कि हजरत अबू उमामा जब उनके पास दावत ले करके गए उसका मजाक उड़ाने लगे आज कहो सूद हराम है तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे आज कहिए आप आपके हाँ औरतों की बेपर्दगी ये हराम है तो औरतें आपका मजाक उड़ाएंगे लोग मजाक उड़ाएंगे आप बल्कि ऐसे भी बदबخت है कि एक शायर को हमने देखा कि शेर पढ़ रहा था टोपी पहने हुआ था गजल यानी इश्किया शेर पढ़ने लगा तो कहता अरे टोपी उतार देना चाहिए ये दिन के साथ मजाक और कुफ़ है तो दहले बातिल का और शहावत परस्त लोगों का हमेशा ये शेवा रहा है कि वहिले दिन का मजाक उड़ाते रहे ऐसे कहते हैं अब उमामा का उन लोगों ने उड़ाया अल्लाह तबारा व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हक़ समझने हक़ के ऊपर चलने हक़ को अपनाने और हक़ की दावा देने की तौफीक अता फरमाए असलम व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें